हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए मैथ्स की जो भी बुक्स है मार्केट पे उन पे एक बार डिस्कशन करेंगे और एंड में ये कंक्लूड करेंगे कि कौन सी ऐसी बुक्स हैं जो अपन को ज्यादा अच्छे और ज्यादा इफेक्टिवली तरीके से प्रिपरेशन में हेल्प कर सकती है। और ये वीडियो 10 to 11th 11th में जो भी बच्चे हैं, 12th के अभी जो बच्चे हैं, है ना, जो अब प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई की, तो उनके लिए अच्छे से रिकमेंडेड है, क्योंकि भी आप लोगों के पास टाइम है, आप जब तक जेई दोगे उसमें, और ये वीडियो आपको बताएगा कि कौन सी बुक्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है ना। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, है ना। तो वैसे बहुत सारी बुक्स होती है, पर मैंने मेजरली ऑलमोस्ट सभी को कवर करने की कोशिश करी है। तो पब्लिकेशंस काफी सारे मिलेंगे आपको मार्केट में, है ना। तो सिंगेज, बालाजी पब्लिकेशंस, पियर्सन, जीआरबी, अरिहंत पब्लिकेशंस, अभी अभी में दिशा एमटीजी भी आने लग गए हैं, टाटा मैकग्रॉ है काफी पहला। और कोचिंग मटेरियल्स यानी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनका मटेरियल, है ना, और बहुत सारी चीजें। तो मैं अभी के लिए ये मान के चल रहा हूँ कि आप किसी कोचिंग में जा रहे हैं, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, और उसका कोई ना कोई मटेरियल जरूर होगा। तो हम बुक्स पर बढ़े, उससे पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप बुक पर टाइम दें या नहीं दें, आप बुक को कितना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज जब आप कोचिंग कर रहे हैं आईआईटी जेई के लिए, तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है आपके क्लास नोट्स, है ना, जो आपको क्लास में पढ़ाए जाते हैं आपके फैकल्टीज, है ना, जो क्वेश्चंस वो करवाते हैं आपको, और उनके साथ साथ जो भी कोचिंग का मटेरियल है, चाहे शीट है, क्वेश्चन बैंक है, डीपीपी है। बुक्स पर हम तब मूव करते हैं जब हमको कोई चीज एक्स्ट्रा करनी है और प्रैक्टिस करनी है हमारे कोचिंग के मटेरियल या टेस्ट सीरीज के अलावा। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है कोचिंग का मटेरियल। जब आप उसका एक एक क्वेश्चन सक्सेसफुली कर रहे हो, तो हम उसके लिए आगे बुक्स पे बढ़ते हैं। और पहली चीज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये है सेंगेज पब्लिकेशंस की, जी टेवानी सर की बुक आती है ना। और इसमें अलग अलग वॉल्यूम्स है, कैलकुलस की फोटो इसमें मैंने लगा रखी, कैलकुलस, एल्जेब्रा, वेक्टर 3D, ट्रिग्नोमेट्री, है ना, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 5 वॉल्यूम्स आते हैं मेजरली। अभी वाले एडिशंस में डीपीपीज भी इनके साथ ही आती हैं, और ये काफी कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड है। मतलब एक एक चीज थ्योरी में बता रखी है, एक एक एग्जाम्पल सॉल्व है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी सारे हैं। तो अगर आप 11th से प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं और आपके पास 2 साल का सफिशियंट टाइम है, तो आप इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मेंस और एडवांस दोनों के लिए हेल्पफुल है। इसमें सॉल्व एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। तो सॉल्व एग्जाम्पल से एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, कभी भी अगर आप मैथ्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट में सॉल्व एग्जाम्पल देखते हो, तो आपको रीड नहीं करने बेटा। आप अगर एग्जाम्पल्स रीड करोगे ना, तो आपके खुद के सोचने की जो कैपेबिलिटी पावर है वो खत्म हो जाएगी। तो आप कोई भी बुक कर रहे हो, आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करोगे, आप एग्जाम्पल का सोल्यूशन नहीं देखोगे, आप क्वेश्चंस का पीछे सोल्यूशन नहीं देखोगे, पेपर को पीछे सोल्यूशंस को स्टेपल कर दो, अपन को सोल्यूशंस अलग से परचेज नहीं करने, सोल्यूशन नहीं देखने, डाउट आता है तो जो टीचर आपको पढ़ाते हैं उनसे पूछो और खुद से सोचो। आपको सोल्यूशंस नहीं देखने, किसी के भी नहीं, खुद से सोचो, वरना आदत खराब होती। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि सिंगेज जो है वो ऑलमोस्ट काफी चीजें कवर करती है एक बेसिक लेवल से। मतलब उनके इलस्ट्रेशन में एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, फिर वहां से वो बेसिक मेंस होते हुए एडवांस तक जाती है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। और अगर आप 11th से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर 2 साल दे रहे हैं, तो आप इस बुक को जरूर जरूर यूज करें। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव चीज है ना। नेक्स्ट हमारे पास आती है विकास गुप्ता सर की जो है, तो पहले वाइब्रेंट में शुरू हुई थी कोटा में, और अभी काफी सारे इंस्टीट्यूट्स और काफी सारे टीचर्स फॉलो करते हैं। तो इन सर की 3 अलग अलग बुक्स आती है। पहली वाली ब्लैक बुक है ना, जो सिर्फ एडवांस प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स के नाम से है। और सेकेंड आती है पिंक बुक, एडवांस प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेट, और एक येलो बुक है एडवांस प्रॉब्लम इन हायर अलजेब्रा, है ना। तो अब इसके केस के अंदर हमारे काम की बुक है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक के अंदर आपके जेई एडवांस की प्रिपरेशन के क्वेश्चंस हैं, मेंस की तैयारी के लिए इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एडवांस के लिए सीरियस हैं, तो आप आपके कोचिंग के मटेरियल के अलावा ये बुक रेफर कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चंस बहुत सारे नहीं है, हर वैरायटी के, सिंगल, मल्टीपल, पैसेज, वो सब बुक्स में होता है आजकल, पर बहुत ही डेडिकेटेड है, लिमिटेड क्वेश्चंस है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है, एडवांस और एडवांस के ऊपर के लेवल के। तो अच्छा, बहुत सोचना पड़ता है, डायरेक्टली इस पे प्लीज मत कूदना, है ना। अच्छे क्वेश्चन से नहीं हुए तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, है ना। तो पहले जो क्लास में करा रहे हैं शीट्स हैं वो सब कर लो,
आपको कॉन्फिडेंस आ गया, आप मेंस के सवाल कर पा रहे हो, तो फिर आप इस बुक पे आ जाओ। ये बुक ना सिर्फ मतलब 11th 12th के लिए, ये टारगेट के बच्चों के लिए जो रिपीट करते हैं उनके लिए भी रिकमेंडेड है। आपके पास एक ही साल होता है, तो आप अपनी कोचिंग की शीट के साथ अगर एडवांस की सीरियस प्रिपरेशन चाहते हैं तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर, जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो बाकी की दो बुक्स है, पिंक बुक और येलो बुक, ये कोऑर्डिनेट और एल्जेब्रा के लिए ही डेडिकेटेड है और भी टफ लेवल है। तो इसके अंदर लेंथीनेस और टफनेस जो है वो जेई से थोड़ी ज्यादा है। तो अगर आपके पास बहुत टाइम है टारगेट के लिए, फिर भी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा रिपीटर बैच में। 11th 12th में अगर आपके पास ज्यादा ही टाइम है, आपने सब कुछ कर लिया और रिविजन करना है, तो इसके कई क्वेश्चंस तो काफी ज्यादा ऊपर है जेई के। बट अगर आपको मैथ्स पसंद है, आपको मजा आ रहा है और आपको नई चीजें देखनी है, तो उसके लिए है। और ऐसा नहीं करोगे तो ब्लैक बुक भी सफिशियंट है, आपके एडवांस क्वालिफाई करवा लेगी एक डिसेंट रैंक से। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर देखें तो ये जीआरबी पब्लिकेशंस की समीर बंसल सर की बुक आती है। तो ये तीन बुक्स आप ऐसा देख सकते हो, कैलकुलस, एलजेब्रा और कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री वेक्टर 3D की साथ में है ये बुक। तो इस ये भी ब्लैक बुक की तरह ही, बट इसके अंदर क्वेश्चन ज्यादा है ना, सोल्यूशन पीछे ही है जो देखने नहीं है, क्वेश्चन ज्यादा है। और मतलब इसको मैं एडिशनल प्रैक्टिस की तरह कंसिडर कर सकता हूँ, कि जैसे आपने कहा कि सर हमने ब्लैक बुक लगा ली, अब रिवीजन करना है, हमने तो सारे क्वेश्चंस कर लिए, अब क्या करें। 11th 12th 2 साल पढ़ते हैं बच्चे, अगर मान लो स्कूल ज्यादा नहीं जाना होता, घर पे ज्यादा टाइम मिल रहा है कोचिंग के अलावा, तो आप मेहनत करते हैं और टाइम बच जाता है, तो उस केस में अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए तो हम इनमें आ सकते हैं। बाकी मैं बोलूंगा विकास गुप्ता सफिशियंट बुक है। अगर उसके अलावा आपको एडिशनल चाहिए तो स्पेशली कैलकुलस की जो है समीर बंसल, उसमें अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बाकी में भी अच्छे हैं, बट कई सारे लेंदी है और मतलब एज सच डायरेक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है कि हम उन्हें करें ही करें, कंपलसरी नहीं है। तो समीर बंसल को मैं फील करता हूँ कि एक एडिशनल बुक है, कि अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप इसमें जा सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी कोई ऐसा इश्यू नहीं। अच्छा, पियर्सन की बुक्स अभी बहुत ज्यादा आने लग गई हैं। पहले मोस्टली ये 9th और 10th में आती थी, प्री फाउंडेशन की वैसी बुक्स ये लोग रिलीज करते थे जो बच्चों को 11th 12th का कोर्स पहले से पढ़ाती हैं। अभी अभी में दो बुक्स जो आई हैं, अभी ओम शर्मा सर की बुक काफी फेमस है, तो अभी उतना तो नहीं जितनी बाकी बुक्स है, बट ये तो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली ये बुक सॉल्व करी, और इसके जो सॉल्व इलस्ट्रेशन है, एक्सरसाइजेस तो ओके ओके है, सॉल्व इलस्ट्रेशन काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो इलस्ट्रेशन और ये सारी चीजें पीडीएफ भी अवेलेबल है। तो मैं आपको ऐसा बोल सकता हूँ कि एक या दो बुक जो आप फॉलो कर रहे हो ना, उनकी तो हार्ड कॉपी ले लो, क्योंकि तो हार्ड कॉपी सॉल्व करना बेस्ट है, पीडीएफ इज नॉट गुड एट ऑल। ओके, बट बाकी चीजों की आप सॉफ्ट कॉपी रख सकते हो, इन केस आपको कभी कोई चीज कहीं अटक जाओ कि यार ये चीज यहाँ मजा नहीं आ रहा, कहाँ देखें, तो मान लो कहीं कोऑर्डिनेट में अटक गए तो इसकी पीडीएफ में जाकर एक बार देख लिया तो कोई कंसेप्ट था तो मे बी क्लियर हो गया। तो इनकी कोऑर्डिनेट अच्छी है, बाकी भी बुक्स ओके है। और इसके साथ साथ एक दिनेश खट्टर सर की भी आती है, ये थोड़ी लेसर नोन है पर ये काफी पुराने उससे आ रही है। तो अभी अभी में ये ओम शर्मा सर वाली ज्यादा मतलब देखने को मिल रही है, बट एक और दिनेश खट्टर सर की भी आ रही है। तो अगर आप सिंगेज या ब्लैक बुक कर रहे हो तो इस पे आने की जरूरत नहीं है, ब्लैक बुक नहीं कर रहे अगर आप, पियर्सन का ही कुछ आपको करना है तो आप इनमें से देख सकते हो। ठीक है, बट स्टिल अभी तक मैं सिंगेज या ब्लैक बुक ही रेफर करूंगा आपको। ये बस मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में क्या अवेलेबल है। और पियर्सन की जो ओम शर्मा सर वाली है, इनके अंदर इलस्ट्रेशंस डिटेल्ड है, तो वो अगर आप रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे क्वेश्चन के लिए देखें तो वो इलस्ट्रेशंस आप देख सकते हैं, तो वो आप पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, कई सारी साइट्स पे आजकल मिल जाता है मटेरियल, टेलीग्राम के चैनल्स पे आप सभी उस पे भी होता है। नेक्स्ट अरिहंत की बुक्स है। अच्छा, तो ये भी एक बहुत अच्छा सेट है, ये बिल्कुल सेंगेज जैसा है। तो अरिहंत पब्लिकेशंस की भी काफी सारी बुक्स अच्छी आती है। तो इनमें दो फैकल्टीज, एक एसके गोयल सर है, एक अमित एम अग्रवाल सर है। तो इन दोनों की ये 5 अलग अलग वॉल्यूम्स आते हैं, कुछ बुक्स अमित एम अग्रवाल सर के नाम से पब्लिश है, कुछ एसके गोयल सर के नाम से है। मैं जब पढ़ता था तब ऐसा नहीं होता था, तो मैंने क्या पाथ फॉलो किया उस पर भी अभी आएंगे, तो अभी वीडियो में बने रहें। तो सिंगेज अगर नहीं कर रहे हैं और अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमें थ्योरी भी देखनी है, एग्जाम्पल भी देखनी है, बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं, तो आप 11th 12th 2 साल में अरिहंत को फॉलो कर सकते हैं। एसके गोयल ऑल्दो थोड़ा सा टफ रहेगा, एसके गोयल के कुछ क्वेश्चंस और कुछ चीजें हैं जो सिंगेज से टफ रहेंगी, तो मतलब सिंगेज सफिशियंट है
आर्यन भी सफिशियंट है, बट थोड़ा सा लेवल मुझे लगता है एस के गोयल का ज्यादा हो सकता है। अमित एम अग्रवाल वाली बुक्स और सेंगेज अगेन सेम लेवल पे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं। ठीक है, अपन वापस इनकी समरी पे आएंगे। और नेक्स्ट बहुत और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि आपकी कोचिंग के मटेरियल जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे बाकी सारी बुक्स से पहले भी PYQs आते हैं, जो IIT JEE JEE मेंस JEE एडवांस में आए हुए पुराने 40 साल के सवाल है। तो 44-45 ईयर्स की बुक्स आती है, तो अरिहंत, दिशा पब्लिकेशंस, MTG, ये मुझे पता है, और भी कहीं आती है ना। तो ट्राई करें एरर फ्री में जाने के लिए, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है एरर्स तो सब में है, ऑब्वियसली जीरो एरर तो कहीं नहीं होते, पर अरिहंत वाले के अंदर एरर्स कम है। बट एट द वेरी सेम टाइम दिशा और MTG के अंदर क्वेश्चन सारे, अरिहंत में क्वेश्चन लिमिटेड है। मेंस की इन सब ने अपनी खुद की अलग निकाल रखी, तो मेंस की 20 लास्ट 20 ईयर्स की अलग आती है, तो वो भी मैं कहूंगा कि आप सेपरेट परचेज कर लो, और एडवांस वाली ये जो आती है ये अलग से कर लो। ठीक है, और मैं पर्सनली अरियंत वाली रिकमेंड करूंगा, गलतियां थोड़ी सी कम होती है, बट आप कोई भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है, है ना। आप तीनों में से कोई भी ले सकते हो, बट पॉइंट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि PYQs फॉलो करने हैं, एक एक PYQ आखिरी 40 साल का एडवांस के लिए और आखिरी 20 साल का मेंस में। अगर आप सॉल्व कर लोगे ना, तो बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो आ रखे हैं, जो आपका पूरी चीज में अच्छे से आपको हर चीज रिवाइज करवा देंगे। तो PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास एदास गुप्ता है, एक ओल्ड वाली थी, जो ग्रे वाली आप देख रहे हो ना, ये ओल्ड वाली है, ये सिर्फ मेंस के लिए, इसमें एकदम एवरेज क्वेश्चंस है। बट अगर आपको दिक्कत आ रही, क्योंकि 10th का लेवल अलग होता है, 11th 12th में कोचिंग का लेवल अलग होता है, तो आपको अगर शीट DPP इनमें दिक्कत आ रही है और आपको लग रहा है कि यार लेवल ज्यादा है, मुझे एक बार बेसिक से शुरू करना है, तो आप ये ग्रे वाली जो MCQ बुक आती है दास गुप्ता की, ये फॉलो कर सकते हैं। इसका लेवल मेन्स से भी थोड़ा कम है, बट ये सिर्फ उस केस में जिस केस में आप डायरेक्टली कोचिंग के मटेरियल के साथ या बुक्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे, तो आप इस ग्रे बुक से शुरू कर सकते हैं। और अभी थोड़े टाइम पहले प्रॉब्लम प्लस लॉन्च करी है सर ने, जिसके अंदर मेंस एडवांस दोनों है, तो ये अगेन बाकी बुक्स की तरह ही है, बट प्रॉब्लम प्लस इन मैं एटलीस्ट बाकी जो अपन ने मटेरियल देखा है उसको थोड़ा सा मैं हायर रेट करूंगा इसके कंपैरिजन में। तो ग्रे बुक जरूर आप ले सकते हैं, ग्रे बुक आप पुरानी वाली है ये तब ले अगर आप कोचिंग के मटेरियल के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे। फिर भी अगर आपको लगता है कि एदास गुप्ता लेनी है, तो एडवांस की तैयारी अगर उससे करनी है, तो प्रॉब्लम प्लस वाली बुक फॉलो करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी बुक्स आती है, एक टाटा मैग्रो हिल TMH भी नाम सुना होगा, पहले काफी ज्यादा पेक्यूलियर था, बहुत ज्यादा सुनने में आता था, तो अभी भी है। तो टाटा मैग्रो हिल की भी कॉम्प्रिहेंसिव करके एक आती है IIT JEE की, तो उसके अंदर भी क्वेश्चंस हैं, इनफैक्ट उसमें कुछ क्वेश्चंस का लेवल अच्छा है, मतलब काफी अच्छा है। तो अगर आप मतलब अच्छा डिटेल में जाना चाहते हैं, है ना, तो आप टाटा मैग्रो हिल की बुक्स भी ले सकते हैं। तो उसमें विनय कुमार सर की पहले पुरानी बुक्स में वो आती थी, अभी इन्होंने जो नई कॉम्प्रिहेंसिव निकाली, इसमें कोई दूसरे 3 ऑथर्स है, नई वाली मैंने अभी तक देखी नहीं है, बट पुरानी वाली ओके। तो टाटा मैग्रो हिल की भी बुक्स आती हैं, और जो कॉम्प्रिहेंसिव पूरी आती है एडवांस वाली, उसके अंदर कई क्वेश्चन एडवांस के लेवल से भी अच्छे हैं। और कुछ बुक्स जो पीछे हम देख रहे थे, उसके अंदर ML खन्ना सर की है ना, RD शर्मा की भी आती है IIT ऑब्जेक्टिव, तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। और कुछ रेफरेंस बुक्स अगर आप कोचिंग में है तो आपको सजेस्ट करेंगे, ये पूरी पूरी नहीं करनी होती, आपको मार्क करवा देते हैं टीचर्स कोचिंग के अंदर ही कि SL लोनी की कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री के ये क्वेश्चन करने हैं, है ना, या GN बर्मन के ये क्वेश्चन करने हैं, है ना, या प्रिलेपको के क्वेश्चन करने हैं, तो वो कोचिंग में बता दिया जाएगा, इनको पूरा पूरा नहीं करना होता। अब पॉइंट ये है कि सबसे पहली चीज जो हमारा मेन फोकस है, तो ये ध्यान से समझना किस फ्लो में करना है, क्या करना है, और आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो पहला, जहां भी आप कोचिंग कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, उनका अपना मटेरियल होता है, चाहे आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, लोकल है, कोई इंडिया वाइड है, चाहे ऑफलाइन है ऑनलाइन है, जहां से भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उनका मटेरियल होता है ना। तो वो मटेरियल में DPPs, क्वेश्चन बैंक्स, शीट्स होती है, वो आपको होमवर्क में दी जाती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें एक भी क्वेश्चन अपन को नहीं छोड़ना है, उसका एक एक क्वेश्चन अच्छे से करना है, ये सबसे पहली बात है। ठीक है,
अच्छा, इसके साथ साथ जब ये शीट हो जाए तो आप प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हैं। कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट की शीट्स में कई सारे पीवाईक्यूज आते हैं। आपको और ज्यादा पीवाईक्यूज करना है तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दूसरी पब्लिकेशंस की पीवाईक्यूज की मेंस और एडवांस की बुक्स अलग अलग खरीद के प्रैक्टिस कर लें। अगर आप कोचिंग और पीवाईक्यूज डायरेक्टली नहीं लगा पाते, आपको लेवल ज्यादा लगता है, तो पहले एनसीईआरटी लगा के ग्रे वाली एदास गुप्ता लगा सकते हैं। जब अगर आपको वो वाली बुक लग रही कि सर ये क्या, ये तो आता है, तो आप डायरेक्टली दूसरी किताबों पे जा सकते हैं। उससे पहले एक बार कोचिंग के मटेरियल की वापस बात कर लें, तो मैं एक बार अपनी बता देता हूँ कि मैंने जब 2016 में जेई दिया था तो मैंने 2 साल क्या क्या पढ़ा था। तो मैंने उस वक्त रेजोनेंस से कोचिंग करी थी, आज से कितने, 5 6 6 साल, 7 साल पहले। और उस वक्त मार्केट में मैंने दो बुक्स परचेज करी थी, एक सिंगेज और एक अमित अग्रवाल। तो ये दो बुक्स मैं पूरी पूरी तो नहीं कर पाया था, बट जितना भी मैं कर पाया था मैं क्वेश्चंस करता था। रेजोनेंस की शीट्स, डीपीपी जो मेरा कोचिंग था, मैंने पूरी लगाई थी। और मेरे को स्कूल के अलावा ज्यादा टाइम मिल पाता था कोचिंग के अलावा भी, तो मैं इसलिए क्या करता था, मैंने कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्स ले रखा था, है ना। उस वक्त मैंने फिटजी से लिया था कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, और एक इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले रखी थी। तो मैं वहां से दूसरे इंस्टीट्यूट का भी कुछ मटेरियल सॉल्व करता था और उनके टेस्ट भी देता था। तो मुझे पता चलता था कि मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ कम्पीट कर रहा हूँ तो कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस सिंगेज, अमित अग्रवाल, मेरा कोचिंग का मटेरियल, और इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूट का कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स मैंने फॉलो किया था। और मैंने इन सब चीजों से, बाकी बच्चों की जर्नी से क्या चीजें सीखी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज ये होती है कि अगर आप आपके कोचिंग का सारा मटेरियल और क्लास नोट्स अच्छे से कर रहे हो पीवाईक्यूज के साथ, तो आपको जेई मेंस और एडवांस दोनों के सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। आप सेलेक्ट होंगे और अच्छी रैंक से होंगे अगर आपने ईमानदारी के साथ एक एक क्वेश्चन किया है और आपको कंसेप्ट समझ में आए हैं। तो बाकी जो मटेरियल की हम बात कर रहे हैं, चाहे कोई और टेस्ट सीरीज है या कोचिंग का दूसरा मटेरियल है, कोई और बुक है, वो सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए होती है। प्राइमरी चीज आपकी कोचिंग का मटेरियल है। तो जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए बुक्स या टेस्ट सीरीज है, अपन अभी उसकी बात करेंगे कि इसमें आप क्या ले सकते हो। लेकिन ये सेकेंडरी है। पहली चीज क्या है, जहां आप सीखने जाते हो, वहां का मटेरियल, वहां का होमवर्क, वहां के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनके बारे में बात कर चुके हैं। अब आप क्या क्या ऑप्शन है मैं आपको बता देता हूँ अदर रेफरेंस बुक के लिए। एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लो। टेस्ट देने की आदत होगी, टेस्ट, मॉक टेस्ट सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको लगता है कि एक्सपेंसिव है, टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते, तो टेलीग्राम के बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर आपको जो टेस्ट होते हैं वहां पर लोग पीडीएफ डाल देते हैं। तो अगर आप नहीं ले सकते, अफोर्डेबल नहीं है, तो उस केस में आप वहां से पेपर्स लेकर अपने इंस्टीट्यूट के साथ साथ वो पेपर्स भी सॉल्व करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, या जब कोर्स पूरा हो जाता है तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो एक टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में ही लें, क्योंकि आजकल जेई जो है वो ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन में पेपर देने की प्रैक्टिस होगी, वरना बाद में लगेगा कि यार ऑनलाइन तो देना ही नहीं आता। तो ये टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बार बुक्स और प्रिपरेशन पे आते हैं, तो अपने पास क्या क्या ऑप्शन है अपनी खुद की कोचिंग के अलावा। एक है कि आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ले लें। बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, फिटजी, रेजोनेंस, ईटूज, एलएन, मोशन, बहुत सारे, तो इनफाइनाइट खुल चुके हैं अब इंडिया में। आपको मेरे से ज्यादा पता होगा आई थिंक। तो जो भी आपको अच्छा लगे, कोई भी, आप किसी भी इंस्टीट्यूट का एक का मटेरियल ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं, आपको लग रहा है सर नहीं, मेरे को मेरा कोचिंग का मटेरियल सफिशियंट है, बुक करनी है, तो बुक के लिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आप 11th 12th 2 साल है आपके पास पूरे, मेंस प्लस एडवांस की जर्नी जानी है, तो आप कैसे जा सकते हो, एक तो आपकी चॉइस है, मैंने आपको सारी बुक्स बता दी। मैं पर्सनली क्या बोल रहा हूँ, 11th 12th में जाना है तो क्या कर सकते हो आप, आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर मान लो 10th से 11th जाना भारी पड़ रहा है कि सर कोचिंग में दिक्कत आ रही है, तो सबसे पहले ग्रे वाली ओल्ड बुक एदास गुप्ता से शुरू करो। थोड़े टाइम में, कुछ 3 4 महीने में फेमिलियर हो जाओगे और फिर पीवाईक्यूज भी करने लग जाओगे। तो अच्छे क्वेश्चंस के लिए सीधा विकास गुप्ता पे नहीं कूदेंगे, आप या तो सिंगेज फॉलो कर सकते हो, जो मेरे हिसाब से आइडियली बेस्ट रहेगा, ठीक है। या अगर अरियंत पियर्सन जाना है, तो अरियंत को मैं ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ, अरियंत पे जा सकते हो। तो ये 2 साल में आप सिंगेज या अरियंत साथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है। अब एडवांस के अच्छे क्वेश्चन, ये तो मेंस एडवांस आता है, एडवांस के अच्छे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन के लिए ब्लैक बुक जरूर करो आप। विकास गुप्ता सर की जो ब्लैक बुक है वो बहुत अच्छी है, वो ब्लैक बुक करो, भले ही बाकी चीजें नहीं करो, वो ब्लैक बुक जो है वो आपको करनी है। हाँ, वो ब्लैक बुक हो गई तो आप एडिशनल क्वेश्चन के लिए
समीर बंसल जा सकते हो, या ब्लैक बुक के अलावा भी जो बाकी बुक्स है उस पर जा सकते हो, पर सिंगेज और ब्लैक बुक ये दो चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट के जो बच्चे हैं वो कोचिंग के साथ साथ ब्लैक बुक कर लें तो इतना अपने लिए सफिशियंट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं जाने से पहले हाईलाइट करूंगा, आप कितना मटेरियल करते हो इससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आप मटेरियल किस तरह से करते हो। आप सिर्फ कोचिंग की शीट्स करेंगे लेकिन उसका एक एक क्वेश्चन समझ के करेंगे तो वो 10 अलग अलग किताबों से पांच 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 क्वेश्चन किए हुए से ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो भले ही आप एक ही बुक करें कि आप बोल दो कि सर नहीं मैं कोचिंग के साथ सिर्फ सिंगेज कर सकता हूँ, तो मैं कहूंगा ओके बेटा आप सिर्फ सिंगेज करो, लेकिन सिंगेज का एक एक क्वेश्चन करोगे। ऐसे नहीं कि सर मैंने सिंगल चॉइस कर लिया, मल्टीपल में मजा नहीं आया, पैसेज में मजा नहीं आया, ये गलतियां मैं कर चुका हूँ इसलिए आपको बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। आप एक ही बुक करा, बोलो सर मेरे से तो बुक ही नहीं होती, मैं तो सिर्फ कोचिंग का मटेरियल और पीवाईक्यू लगाऊंगा। ओके आप सिर्फ कोचिंग का मटेरियल और पीवाईक्यू लगाओ, लेकिन एक एक क्वेश्चन करोगे कोचिंग के मटेरियल और पीवाईक्यू का, इंटीजर हो, पैसेज हो, मोर देन वन हो, कुछ भी हो, एक एक चीज करनी है। आप एक मटेरियल करोगे और अच्छे से करोगे तो आपकी ज्यादा बेटर रैंक आएगी एज कम्पेयर टू कि आप 10 अलग अलग मटेरियल कर रहे हो और सबको कुछ अधूरा अधूरा कर रहे हो। बात समझ में आ रही? तो आप एक ही मटेरियल करो पर अच्छे से करो। तो ये सारी बुक्स थी, है ना, और ये मेरा परसेप्शन है, आप बुक्स देखेंगे अलग अलग परसेप्शन हो सकता है। तो कोचिंग का मटेरियल मैं समराइज कर देता हूँ, फर्स्ट नंबर पे आएगा टेस्ट सीरीज, आप एक ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं से डिस्टेंस लर्निंग मंगाना चाहें तो मंगा सकते हैं, मैंने पर्सनली फिटजी की मंगाई थी, बट आपका अलग परसेप्शन हो सकता है, आप एल एन बंसल रेजो की सकते हैं या कोई और इंस्टीट्यूट। तो टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना, और कोचिंग का मटेरियल पीवाईक्यू, ये दो चीजें तो कर लो। टेस्ट सीरीज नहीं मंगा सकते, टेलीग्राम से ले लेना। बुक्स में कुछ नहीं बन रहा तो ग्रे वाली येदास गुप्ता, अगर वो आसान लग रही है तो फिर क्या कर सकते हो, सिंगेज या अरियंत में से एक, अगर 2 साल का टाइम है। अगर नहीं है तो सीधा किस पे आ जाओगे, ब्लैक बुक पे, पर सब कुछ पहले करने के बाद डायरेक्ट ब्लैक बुक पे कूदोगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और फिर भी अगर बहुत टाइम है मेरी तरह कुछ नहीं है आराम से खूब टाइम, तो उसके बाद फिर आप बाकी की किताबें देख सकते हो, है ना, कि जैसे ब्लैक बुक कर ली, अब समीर बंसल पे आ गए या पियर्सन वाली पे आ गए। पर जो भी करोगे याद रखोगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये वीडियो की, जो भी करोगे पूरा करोगे, एक करोगे पूरा करोगे, पांच करोगे तो भी पूरा करोगे। और कोई क्वेरी है मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और जल्दी मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए थैंक यू, और आपका सजेशन प्लीज प्लीज कमेंट्स में लिखे। ऑल राइट, चलो, ऑल द बेस्ट।